साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.2 वर्क। ये आपके क्लास 5 का 8वां चैप्टर होता है और यूनिट 1 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद यूनिट 2 शुरू हो जाएगा आपका। चले तो वर्क में आपको क्या पढ़ना है इसको देखा जाए। क्लीन वर्क, डर्टी वर्क, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने 3 क्लास और 4 क्लास में भी वर्क के बारे में जाना है। तो देखिए क्लीन वर्क और डर्टी वर्क में क्या बताया जा रहा है। तो पीपल वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। लोग जो हैं वह अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग माने उनका व्यवसाय हो सकता है। फार्मर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स आर द वर्किंग मैन। ये कुछ वर्किंग मैन है, जैसे फार्मर हो गए या पेंट करने वाले पेंटर हो गए, कारपेंटर हो गए जो लकड़ी का काम करते हैं, ग्रॉसर हो गए जो अनाज बेचते हैं, ग्रीन ग्रॉसर हो गए जो ठेले पे सब्जियां बेचते हैं, डॉक्टर हुए या नर्स हो गए, स्वीपर हो गए, ये सारे के सारे काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं। इफ़ वी मेक अ सर्वे फ्रॉम अ पीपल नियर बाई आवर हाउस अबाउट द रीज़न फॉर डूइंग वर्क, मोस्ट ऑफ देम विल से दैट देयर दे वर्क टू अर्न मनी। हम लोग अगर सर्वे करें, आसपास देखें कि लोग किन कारणों से काम कर रहे हैं, तो हमें कारण मिलेगा कि ये पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्यू पीपल से दैट दे वर्क टू स्पेंड टाइम, वेयर सम पीपल से दैट दे वर्क फॉर सोसाइटी। कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो समाज की सेवा करते हैं। वट एवर मे बी रीजन फॉर वर्किंग बट इट मेक्स देयर लाइफ कंफर्टेबल। जो भी कारण हो, लेकिन काम जो ये करते हैं लोग, इससे उनका जीवन जो है आरामदायक होता है, ठीक है। चलिए अब आता है, यहाँ देखिए फिगर्स बने हुए। ये खेत में काम करने वाला फार्मर है, ये देखिए पेंटिंग बना रहा है, एक बच्चे की पेंटिंग बन रही है, तो ये पेंटर हो गया। ये डॉक्टर है जो बच्चे को चेक कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये ग्रीन ग्रॉसर है, ग्रीन ग्रॉसर जो है ग्रीन ग्रॉसर जो है वो आपका देखिए यहाँ पे सब्जी वाला है जो ग्रीन ग्रॉसर हमारे पास ग्रीन ग्रॉसर जो है आपका सब्जी बेच रहे हैं। और क्या है कि यहाँ देखिए स्वीपर सफाई कर रहे हैं, ये नर्स हैं जो हम लोग के हॉस्पिटल में मदद करते हैं कोरोना वायरस में। आप जानते ही कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पोर्टेंट एंड एवरी प्रोफेशन एंड जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड। यानी सारे काम जो है महत्वपूर्ण है और सारे प्रोफेशन, हर जॉब जो है वह आपके वह आदरणीय है। इसलिए हमें डिजनिटी ऑफ लेबर यानी काम का सम्मान करना चाहिए। इफ़ वी हेट और डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन दैट लीड टू सोशल इनजस्टिस। अगर हम किसी के काम को लेकर के उससे घृणा करें, है ना, और उसको निरादर करें, तो ये समाज की एक बुराई कह ली जाएगी या अन्याय कहलाएगा, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड, यह नहीं करना चाहिए। इन दिस वे वर्क और पीपल कैन नेवर बी डर्टी। काम या लोग गंदे नहीं होते। सो वी शुड इनकरेज द वर्क टू एंजॉय हिज वर्क। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको और अच्छी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छे काम के लिए, और उनके काम को हमें अच्छे नज़र से देखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद से हम लोग अगला ये क्लीन वर्क और डर्टी वर्क में, जो डर्टी वाला वर्क है, गांधी जी ने क्या बताया, यह सब बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस चैनल को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप नए ये वीडियो यूट्यूब वाला आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और
कोने में बना हुआ जो बेल बटन है उसको क्लिक करके ऑल वाला बटन को क्लिक करें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और कोरोना वायरस का जब तक आपका टीका नहीं लग जाता या आपका कोई ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता कि आपको स्कूल आना है या कोचिंग में जाने हैं, तब तक आप घर पर ही रह के पढ़ाई कीजिए। मेरा ही नहीं, और भी जितना पढ़ाई वाला वीडियो आता है सारे का सारा वीडियो आप देखिए और सबको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप नए अगर हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बगल में बेल आइकन होता है बेल में ऑल को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।